हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो लेक्चर है ये सेवेंथ लेक्चर है एनपीओ का। ओके, इससे पहले मैंने जो 6 लेक्चर्स पोस्ट किए हैं एनपीओ पे, मैंने डिटेल प्रॉब्लम सॉल्व कराया। उसके अंदर 3 से 4 प्रॉब्लम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के, और ये जो प्रॉब्लम है 7 लेक्चर का वो भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व कराया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ओके, इससे पहले जो भी लेक्चर्स मैंने पोस्ट किए उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम के अंदर या कोई भी एडजस्टमेंट के अंदर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ओके, या तो फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो या सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको तीनों का डिटेल मैं यहां पर दे चुका हूं। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो पहला स्टेप जो हम करते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड असेट एंड ट्रांसफर ऑफ फिक्स डिपॉजिट एंड ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग फंड, ये मैंने यहाँ पर कर लिया, आप क्वेश्चन में देख के कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम टू बैलेंस इग्नोर बाय बैलेंस असेट, तो वो भी कर लिया मैंने। टू बैलेंस को इग्नोर करके बाय बैलेंस को असेट में लिख दिया। यहाँ पे अलग अलग इनके पेन से लिखा हुआ, समझ में आएगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ब्लैक पेन से किया हूं मैंने। सेकेंड स्टेप रेड पेन से किया है। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, एडजस्टमेंट रीड करेंगे और टिक करेंगे। तो एडजस्टमेंट किस पे है, रेंट पे है, स्टेशनरी पे है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पे है, एंट्रेंस फीस पे है और डेफिशिएंट फर्नीचर, 5 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। इन सबको टिक कर लेना आप जब सब सॉल्व करोगे। उसके बाद का स्टेप क्या था हमारा, 2 का आइटम बाय, बाय का आइटम 2, तो हमने वो भी कर लिया। फिर जो भी आइटम 2 में थे उनको बाय में लिख दिया, जो बाय में थे वो 2 में लिख दिया। इज इट क्लियर? अभी इतना भी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे पिछले लेक्चर्स के वीडियो देखिए, आपको इतना क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम एडजस्टमेंट की तरफ। ओके, अभी पहला एडजस्टमेंट क्या है, रेंट फॉर द लास्ट 2 months ₹5,000 इज स्टिल ड्यू। बताया रेंट कितना ड्यू है, 5,000 रुपीज लास्ट 2 months का, लास्ट 2 महीने का रेंट बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। मैंने बताया था क्या करते हैं आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो ये क्या करेंगे हम, रेंट में जाके एड करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग है 5,000, तो 5,000 हम एड कर देंगे। यहां पर एक और एक चीज है, रेंट को ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके सैलरी रेंट एंड स्टेशनरी, दिस इज आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। लिसन केयरफुली कि हमेशा आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का रहेगा वो एड होगा, आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का रहेगा वो एड होगा, जो प्रीवियस ईयर का रहेगा वो लेस होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, कितना अमाउंट दिया हुआ है 7,000, ये 7,000 लेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? 25 + 5 = 30 - 7 = 20, 3,000। ओके, अब दूसरा एफ पास करना है, दूसरा एफ करना है, लेफ्ट में ऐड किया, दूसरा एफ भी लेफ्ट में आएगा, आउटस्टैंडिंग करके रेंट कितना है 5,000, इनर कॉर्नर में लिख रहे क्योंकि शायद स्टेशनरी और सैलरी भी सेम एडजस्टमेंट आने वाला है। ओके, अब बच्चे बोले सर ऐसा कैसा करेंगे, ये बनाए चले आ गया, तो ऐसा बनाए तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, लेकिन रेंट स्टेशनरी सैलरी वगैरह पे इतना कुछ नहीं आता जितना सब्सक्रिप्शन पे आता है, तो इतना याद रखो, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का एड प्रीवियस ईयर का लेस। ओके, दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं हम, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल ऑन 31 मार्च वर रुपीज 450, सेम है स्टेशनरी पेएबल है 450, तो स्टेशनरी में आते हैं और लिखते हैं एड आउटस्टैंडिंग कितना 450, सेम इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट, सॉरी ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है, दैट इज स्टेशनरी 1,000 रुपीज, दिस इज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, अगेन सेम लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एड प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस, कितना 1,000 रुपीज, 1,000 हमने लेस कर दिया, 2,450। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, लेफ्ट में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट भी लेफ्ट में आएगा, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी कितना 450। तो मैंने सर रेंट में भी आपने ये वाला इफेक्ट, इसका इफेक्ट दूसरा इफेक्ट नहीं मारा, इसका भी दूसरा इफेक्ट नहीं मारा, तो मैं
पहले भी क्लियरली बोल चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर के कोई भी आइटम का दो इफेक्ट नहीं आता। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018-19 वाज 3000 सब्सक्रिप्शन। थोड़ा लेंथी एडजस्टमेंट है, सबसे लास्ट में सॉल्व करते आगे बढ़ते। एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज आता क्या करने का? लेस करने का, ऐड करने का। क्या करेंगे हम? लेस करेंगे, ऐड करेंगे। एंट्रेंस फीस कहां दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है। लेस कर देंगे, लेस कैपिटलाइज्ड। कितना? 28,000, क्योंकि बोला नहीं कितना करना है, तो पूरा अमाउंट कर लेंगे हम। और ऐड करते दूसरे पे, कहां ऐड करते? कैपिटल में ऐड एंट्रेंस फीस। मेरे पहले के लेक्चर से मैंने सब क्लियरली ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। 28,000, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। नॉर्मल है, लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे फर्नीचर में से। कितना परसेंट बोला? 10%। तो 10% 2000 आ जाएगा, 10% माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 18,000। दूसरा है फिर राइट में माइनस, क्या राइट में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? लेफ्ट में आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखो बहुत ही फैमिलियर है हम ये एडजस्टमेंट से, बहुत बस कर चुके हैं एडजस्टमेंट को। ओके, इसके अलावा भी एक एडजस्टमेंट बचता है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा भी एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाते हैं, देखते हैं हम कि क्या क्या हमने एंट्री मार लिया, क्या बचा हुआ है। ओके, तो कैपिटल फंड हमारा हो गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में देखो, सैलरी हमारा नहीं हुआ, रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया। असेट में आते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग असेट, सॉरी ओपनिंग कैश बैलेंस, इसको हम इग्नोर करते हैं। फर्नीचर हमने ले लिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाकी है एडजस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हो गया है। अब इन्वेस्टमेंट की बात पे आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के आगे परसेंटेज है। मैंने फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के टाइम पे ही बोल दिया था कि अगर कोई भी असेट या लाइबिलिटी है जिसके साथ में परसेंटेज है, तो याद रखना है इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट काय का रहता है? हमेशा इंटरेस्ट का रहता है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट पे हमको 6,500 पे इंटरेस्ट फाइंड करना है। कितना इंटरेस्ट फाइंड करना है? 6% का। तो करेंगे एड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 6,500 का 6%, 390। और याद रखना इंटरेस्ट हमेशा ऐड होगा, इसको ऐड कर लेंगे, 6,890 हो गया। दूसरा इफेक्ट राइट में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट भी राइट में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, कितना आ गया? 390। इसके अलावा एक सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट बचा है, और एक सैलरी का। सैलरी एडजस्टमेंट में तो नहीं है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है, तो उसका ट्रीटमेंट देखते क्या होता है। सैलरी हमने यहाँ पर पास किया अमाउंट टू सैलरी 20,000। नॉर्मली हम क्या करते हैं? आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। कौन सा आउटस्टैंडिंग? करंट ईयर का। लेकिन जो सैलरी का आउटस्टैंडिंग दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है, तो दिस इज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। कितना दिया हुआ है? 8,000। तो ये लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। देखो करंट ईयर का होता तो ऐड, प्रीवियस ईयर का है इसके लिए लेस। कितना? 8,000 लेस कर देंगे, अमाउंट जाएगा 14,000। देखो एडजस्टमेंट में नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का आइटम है, दूसरा इफेक्ट इसका नहीं आएगा। ओके, बढ़ते लास्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, आराम से देखना क्या करते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो सबसे पहले हमको ये लिखना है सब्सक्रिप्शन के अंदर, एड लेस, लेस एड, आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, आउटस्टैंडिंग रिसीव एडवांस, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ओके, अब सॉल्व कैसा करेंगे? हम सॉल्व स्टार्ट करेंगे सम के ऊंचू से, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट से। देखो सबसे पहला सम के ऊंचू सॉल्व करना है, फिर सम के नीचू सॉल्व करना है। सम के ऊंचू मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,500। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,500 दिया है, तो या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा। अब तुम बताओ कहां पर आएगा? मैं बताऊंगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है, दिस इज प्रीवियस ईयर का अमाउंट, तो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो ये प्रीवियस ईयर के सामने आएगा 8,500। इज इट क्लियर? अभी आएंगे हम सम के नीचे। सम के नीचे मतलब एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाज रुपीज 3,000, दिस इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3,000। ओके, सम के ऊपर हो गया, सम के नीचे हो गया, अब सम में आएंगे, सम के ऊंचू, सम के नीचू, देन सम में आएंगे। सम में देखो सब्सक्रिप्शन तीन दिए हुए, एक 2017-18 का है, एक 18-19 का है, और एक 19 और 20 का है।
लिसन केयरफुली, जो बीच का है 2018-19 वो हमारा करंट ईयर है। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा बीच वाला ही करंट ईयर हो, हमारे सम के ऊपर डेट दी रहती है, दैट इज 31 मार्च 2019 दी है ये सम के अंदर, 31 मार्च 2019 मतलब ये ईयर हमारा 18-19 है, तो करंट ईयर क्या हुआ 18-19। अगर करंट ईयर 18-19 है तो 17-18 क्या है हमारा प्रीवियस ईयर है, और 19-20 क्या है हमारा नेक्स्ट ईयर है। इज इट क्लियर? अभी 18-19 जो करंट ईयर है, मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ कि करंट ईयर के फिगर को हम इग्नोर करेंगे, 45,000 को हम टोटली इग्नोर कर देंगे। अब आते हैं हम ऊपर के अमाउंट पे, 2000 पे, दैट इज प्रीवियस ईयर का अमाउंट। अभी प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे आएंगे और हमारे क्वेश्चन में देखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना दिया 8,500 और वहां कितना लिखा हुआ है 2000। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे सम में सब्सक्रिप्शन 2017-18 का कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है और हमने कितना लिखा है 8,500। इसका मतलब क्या है कि 8,500 सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आने का बाकी था। देखो 8,500 सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आने का बाकी था, सिर्फ 2000 ही आया। कितना आया 2000 ही आया, मतलब कि 8,500 में से 2000 आया तो 6,500 अभी भी बाकी है। 8,500 बाकी था, उसमें से 2000 आ गया, बचा कितना 6,500। That 6,500 is still outstanding, मतलब ये करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने कितना निकाला 3,000, ये 3,000 को हम निकाल के 9,500 कर देंगे। इज इट क्लियर? देखो बच्चों लोग, ये जब ये सॉल्व करोगे सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट तो पहले रफली कर लेना, जिसके अंदर थोड़ा कट उट होता है तो सोल्यूशन में वो अच्छा नहीं लगता। ओके तो ये हमारा हो गया 9,500, समझा कैसा आया 3,000 रुपया और 6,500 पहले का। अब नीचे आता 1920 मतलब नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का पैसा हमेशा रिसीव्ड इन एडवांस होता है, आउटस्टैंडिंग तो हो नहीं सकता कि अगले साल का पैसा मेरे को अभी आउटस्टैंडिंग थोड़ी होगा, रिसीव्ड एडवांस होगा, मतलब एडवांस में मिला होगा। कितना दिया है 3000, दिस इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3000, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट में होता, यहां नहीं होता। ओके इज इट क्लियर? इसको डैश मार लेंगे, 50,000 प्लस 9,500 इज 59,500 माइनस 3,000 56,500 माइनस 8,500 इज 48,000। इज इट क्लियर? ओके आप दूसरा एफ पास करना है हमको, दूसरा एफ किसका बात करेंगे हम, सिर्फ करंट ईयर का बात करें, इसका बात करेंगे और इसका बात करें, इसका दूसरा एफ नहीं आएगा। राइट में एड किया, दूसरा एफ राइट में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 9,500। आप अंदर ऐसा भी सकते हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का उसमें 3000 है, प्रीवियस ईयर का 6,500 है, आउट ऑफ वाला में 9,500, या एक साथ भी हम लिख सकते हैं। ओके दूसरा राइट में माइनस किया, राइट में माइनस किया, दूसरा इफेक्ट राइट में नहीं आएगा, लेफ्ट में आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना 3000, तो आउट ऑफ वाला में राइट डाल देंगे हम 3000। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमारे सभी एडजस्टमेंट हो गए खत्म। टैली के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा साइड हैवियर है। अभी यहाँ का टोटल किया मैंने तो आया 53,390 और यहाँ का टोटल आया 61,250। देखो इससे पहले जितने प्रॉब्लम हमने किया उसके अंदर ये टोटल ज्यादा था, तो यही टोटल को हम दो जगह लिखते थे, बट ये सम के अंदर, ये प्रॉब्लम के अंदर ये टोटल ज्यादा है, तो ये टोटल ज्यादा है, तो मैंने बताया विच ईयर इज हायर, जो ज्यादा है वही लिखेंगे हम। तो 61,250 हमेशा बैलेंस हमारा यहां पर आया सरप्लस, अब बैलेंस यहां आएगा तो लिखेंगे बाय डेफिसिट। क्या करेंगे हम, इसमें से इन सब अमाउंट को माइनस कर देंगे तो अमाउंट आएगा 7,860 और यहां लिख देंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से। ओके नॉर्मली सरप्लस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ डेफिसिट आया है तो इसको माइनस कर दें, तो पहले दोनों को ऐड कर दे 58,000, माइनस करने में आसानी जाएंगी, माइनस डेफिसिट कितना डेफिसिट है 7,860, माइनस कर देंगे 50,140। ओके अब इनका टोटल कर लेते हैं, आ जाएगा 58,590, सेम इधर भी आ जाएगा 58,590। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच।